प्रणाम मित्रों, मैं आपका सारथी आपका स्वागत करता हूँ कुरुक्षेत्र अर्थात गीता सार के इस अध्याय में। आप सभी का धन्यवाद जो आप अपने इस सारथी के साथ अब तक इस यात्रा में साथ रहे। मुरलीधर श्री कृष्ण की बातों से धीरे धीरे पराक्रमी अर्जुन का मोह भंग होने लगा। भगवान श्री कृष्ण इस अंक में अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दे रहे हैं। आइए हम भी सुनते हैं क्या है कर्मयोग। हे पार्थ, मैंने तुझे अभी ज्ञान योग बताया और अब तुझे कर्म योग बताता हूं, जिसे सुनकर तू सदा के लिए कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, उन्हें त्याग देगा, नष्ट कर देगा। हे अर्जुन, इस कर्म योग में जो स्थिर मन के होते हैं उनकी बुद्धि एक होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले लोग, विवेकहीन मनुष्यों की बुद्धि बहुत विचलित और अनेक भेदों वाली होती है। जो व्यक्ति मात्र स्वर्ग को लक्ष्य मानते हैं, जिनके लिए स्वर्ग से बढ़कर कुछ नहीं होता, वो विवेकहीन होते हैं। जो व्यक्ति भोग और विलासता में लिप्त होते हैं, उनकी बुद्धि भी नष्ट हो चुकी होती है। हे अर्जुन, तू योगक्षेम को ना चाहने वाला, स्वाधीन अंतःकरण वाला मन, तेरा कर्म में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तू फल के लिए चिंतित मत हो, तुझे कर्म करना चाहिए। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि असिद्धि में एकाग्रचित वाला होकर अपने कर्तव्यों को पूरा कर, यही योग है। तुम जो इस समय कर रहे हो, ये स्वभाव अत्यंत ही निम्न कोटि का है। इसलिए हे धनंजय, बुद्धि योग से उपाय ढूंढ। जो फल का सोचते हैं वो अत्यंत ही दीन होते हैं। जो बुद्धिमान होता है वो पुण्य और पाप दोनों को इसी संसार में त्याग देता है, उनसे मुक्त हो जाता है। तुम्हें कर्म बंधन से छूटना होगा। जिस पल तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उसी समय तू हर तरह से इस संसार के वैराग्य से मुक्त हो जाएगा। तेरी बुद्धि जो इस समय विचलित हो गई है, जब परमात्मा के अचल में स्थिर हो जाएगी,
तब तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तेरा इस परमात्मा से संयोग हो जाएगा। हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त होने वाले स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वो कैसे बोलता है, कैसे आचरण करता है, कैसे चलता है, उसका आचरण क्या होता है, कृपया मुझे बतलाइए। हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण इच्छाओं को पूरी तरह त्याग देता है, वो आत्मा से आत्मा में मिलकर संतुष्ट होता रहता है। उस काल में उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, जिसका राग भय क्रोध नष्ट हो जाता, ऐसा ही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला होता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, शुभ अशुभ से ना प्रसन्न होता हो, ना दुखी होता हो, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ अपने चारों ओर से अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही जो पुरुष सभी इंद्रियों को समेट लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। इसलिए हे अर्जुन, जिस पुरुष की आसक्ति का नाश नहीं होता, इंद्रियां ऐसे पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए साधक को अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए और मेरे परायण होकर और मेरा होकर ध्यान में बैठना चाहिए। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में है, ऐसे पुरुष की बुद्धि स्थिर है। विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में ही लगाव रखता है। लगाव से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मूड भाव और मूड भाव से स्मृति भ्रम होता है और स्मृति भ्रम से बुद्धि अथवा ज्ञान का सर्वनाश हो जाता है और ज्ञान शक्ति के नाश से पुरुष का पतन हो जाता है। अर्जुन का संदेह अब भी समाप्त नहीं हुआ। वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन को कई उदाहरणों से जीवन का सार समझाया। असल में गीता सार ही जीवन का सार है। भगवान कृष्ण के अमृत तुल्य वचनों से सभी का जीवन निर्मल हो जाता है। मित्रों, अगले और अंतिम अंक में हम फिर मिलेंगे। मित्रों, तब तक के लिए अपने सारथी को
आज्ञा दीजिए।